और फिर से देखना आप लोग, ये लाइट धीरे धीरे जलेगा जब ये गर्म करूँगा, तो ये एक सेंसर की तरह भी काम कर रहा है, हीटिंग सेंसर की तरह। फिर से गर्म कर रहा हूँ, आप लोग देखना ध्यान से, ये धीरे धीरे इसका लाइट जो है जलना शुरू हो गया है। और पूरी तरीके से जलना शुरू हो गया है, जब तक ये गर्म है तब तक ये काम करेगा। अब फिर से दोस्तों ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन धीरे धीरे ये टेम्परेचर इसका ठंड हो रहा है हमारा डायोड, और इस तरह से धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तो इस तरह से लाइट जल रहा है और धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो इस तरह तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हम एक बहुत ही कमाल का साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं डायोड के साथ। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर एक डायोड, वैसे तो दोस्तों मेरे पास दो डायोड है, यहाँ पर एक बड़ा वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये दोस्तों जो कन्वर्टर आता है इन्वर्टर का, उसके अंदर ये लगा होता है बेसिकली। और ये वाला दोस्तों तो आप लोगों को जानते होंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो ये हर चार्जर के अंदर होता है, मोबाइल के चार्जर के अंदर और कोई भी जो इमरजेंसी लाइट होता है सबके अंदर ये लगा होता है बेसिकली। तो डायोड का काम इतना ही दोस्तों कि एक तरफ से करंट को फ्लो करता है, दूसरी तरफ से वापस जब करंट आता है तो वो वापस नहीं आने देता है, एक ही दिशा में ये सिर्फ करंट को बहने देता है, यही काम है इसका डायोड का सिंपली। तो मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है, उसके बाद इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले कमाल के, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको रखूँगा, उसके बाद दोस्तों देखना आप लोग मेरे पास यहाँ पर एक लाइट, यहाँ पर ये 5 mm का रेड LED बल्ब है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको जलाता हूँ बैटरी से, तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये आराम से जल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो अब दोस्तों डायोड के काम का है कि सिंपली इस पर जब हम जोड़ देंगे इस वाले यहाँ पर, या मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ वायर को सिंपली यहाँ पर, तो अब देखना आप लोग। यहाँ पर ये टच करने के बाद ये नहीं जल रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा डायरेक्शन में ये लगा हुआ है, जिससे वजह से ये जो सिल्वर वाली पट्टी है उसके उस तरफ करंट ये फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसी दिशा को चेंज कर दें यानी कि उल्टा कर दें, और फिर देखना आप लोग ये जलने लगेगा। तो यही काम है इसका कि जब चार्जिंग होता रहता है तो बाद में चार्जिंग यानी कि लाइट चली जाए तो बाहर चार्जिंग खींचे ना, या फिर ऐसे कोई सर्किट होता है जो बाद में सर्किट शॉर्ट करे तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है बेसिकली। ये डायोड दोस्तों दो तरह के आते हैं, AC और DC दोनों होते हैं, तो आप इसका AC वाला DC में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में भी। तो आप देख सकते हैं अब ये काम कर रहा है डायोड, डायोड सेम वही है, बस इसका जो मैंने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया करंट का, तो फ्लो हो रहा है आराम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काम कर रहा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो अच्छे तरीके से काम कर रहा है LED बल्ब अच्छे तरीके से यहाँ पर। लेकिन हम इस्तेमाल करके देखेंगे दोस्तों, ये डायोड जो होता है एक इसका हीटिंग टेम्परेचर फिक्स होता है, यानी 400 डिग्री या फिर 100 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका फिक्स होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये डायोड जो है इसका जो पोल है ये खराब हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली काम करेगा एक नॉर्मल वायर की तरह, जिसे ये वाला वायर डायरेक्टली करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी दिशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कोई इसमें दिशा पता ही नहीं, चाहे जैसी वायर जोड़ो आराम से करंट फ्लो होगा। तो ये नॉर्मल सा रजिस्टर की तरह ही काम करेगा, तो एक बार मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहले इसमें हम सोल्डर करेंगे इस पे, तो इस पे जोड़ रहा है अच्छे तरीके से यानी जल रहा है, तो इस पे हमें वायर को यानी प्लस वाले पे जोड़ लेना सिंपली यहाँ से, इस तरह से वायर को जोड़ लेना सिंपल। और अब क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर हमें बैटरी को लगा देना है, इस पे एक वायर और जोड़ लेना है यहाँ से, तो लाइट हमारा जो है जलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये लाइट बेसिकली जलना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके एक वायर को मैं बीच से यहाँ पर कटिंग कर दूंगा, मैं यहाँ से इसके बीचों बीच में एक वायर कटिंग कर दूंगा यहाँ से, और अब जलना बंद हो गया। तो अब मैं इस पर डायोड लगाता हूँ, उस पर देखना है इसके बाद डायोड का सिंपल जो है फार्मूला जो मैजिक ट्रिक है इसका टेम्परेचर, जैसे ही मैं हीट टेम्परेचर से ज़्यादा दूंगा इसका टेम्परेचर से ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसके एक दिशा में लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये दिखता रहे अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो अब देखना दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये डायोड, मैं सिंपल इस पर लगाऊंगा एक डायोड यहाँ पर। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये डायोड IN007 जो 1 रुपये का आपको इजली मिल जाएगा, या फिर पुराने चार्जर से आप निकाल सकते हो आसानी से, इमरजेंसी लाइट के अंदर तकरीबन होता है सभी के अंदर ये। तो अब मैं जब यहाँ पर लगा देता हूँ इसको यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, तो ये जलेगा नहीं, आप देखना यहाँ पर ध्यान से आप लोग, यही इसका एक्सपेरिमेंट जो है मैजिक ट्रिक है।
तो अभी ये जल रहा है क्योंकि इसके अंदर करंट डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद ये जलना बंद हो जाएगा। आप देखना यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लगा दिया सिंपल, आप देखना यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हो कि वायर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी करंट ये पास नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इसका जो पोल है बिल्कुल डायोड बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसी वजह से ये इसके अंदर करंट फ्लो होने ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है, हमारा एलईडी भी जल नहीं रहा है। लेकिन इसको हम जैसे दोस्तों थोड़ा हीट देंगे, तो इसका जो टेम्परेचर हीटिंग है उसके एरिया से जैसे ही बाहर जाएगा, जितना इसका फिक्स टेम्परेचर है, मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो 100 डिग्री से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी गर्म करेगा, ऑटोमेटिक ये डायोड जो है वो काम करना बंद कर देगा, और डायरेक्टली जो वायर है सिंपल यहाँ समझ लीजिए टच हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लाइट कंटिन्यूसली जलता रहेगा और ये डायोड का काम खत्म हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि डायोड खराब हो जाएगा सिंपल कहें तो, इस तरह से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो अब दोस्तों मैं इस पर हीट दूंगा और फिर तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको गर्म करूंगा लाइटर के साथ से, और जब गर्म करूंगा दोस्तों तो ये गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखना आप लोग मैजिक ट्रिक क्या होता है इसके साथ, तो अभी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी देखना थोड़ी देर बाद। ये धीरे धीरे इसका लाइट जो है जलना शुरू हो गया है, और पूरी तरीके से जलना शुरू हो गया है, जब तक ये गर्म है तब तक ये काम करेगा। अब फिर से दोस्तों ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन धीरे धीरे ये टेम्परेचर इसका ठंड हो रहा है हमारा डायोड, और इस तरह से धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, तो इस तरह से लाइट जल रहा है और धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये डायोड का मैजिक ट्रिक है, तो आप लोग अपने घर पर इसे ट्राई कर सकते, तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यही था दोस्तों डायोड का प्रिंसिपल, जो काम करता है और इस तरह से डायोड काम करता है, इस तरह से इसका एक सेंसर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं हीटिंग सेंसर के रूप में। इसे मान लीजिए दोस्तों कि जब हमारा जो है कोई मशीन अगर हम बनाएं ज़्यादा हीट हो, तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो कूलिंग फैन है एक मोटर लगा दें, उसमें पंखा लगा दें, तो काफ़ी तेज गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा, और फिर से वो ठंड करने के बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिक फैन कूलिंग फैन बना सकते हो आप इसकी डायोड की सहायता से, तो इस तरह से बेसिकली काम करता है। तो अब आप लोग बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।